इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इट ऑल्सो शोज हाउ तुम ये काम कभी अकेले नहीं करोगे बट गि तुम्हारे सामने अगर बारह लोग रख दे जाए और तुम तेरवें इंसान हो अगर बारह लोग ये कर रहे हैं तो तुम देख के सडनली तुम वो करने लग जाते हो ग्रुप आइडेंटिटी में कैसे कितनी ईजिली हम सीप इन कर सकते हैं और हम वो चीज कर रहे हैं जो हम अभी अकेले अगर कोई इंसान कर रहा हो रोड पे ये तो एक पता नहीं क्या हो रहा है हमारे को कॉमन परसेप्शन क्या बताया गया है एंगर एक इमोशन है एंगर को निकाल सकते हैं ये भाषा हम यूज करते हैं लैंग्वेज अब इस लैंग्वेज के हिसाब से दिमाग में क्या आ रहा है उत्तर एंगर को अगर निकाल दे तो क्या बचा खाली सारा एंगर निकल गया अब आए बात कॉमन सेंस यूज करो तुम्हारा ब्रेन एक ऑर्गन है किसी भी तरह के तुम एक्टिविटी में एंगेज होते हो ब्रेन रीजन जो फैसिलिटेट करते हो एक्टिविटी वो एक्टिवेट हो जाते हैं जिंदगी में किसी चीज को अगर तुम चाहते हो उसका खात्मा हो या कम हो उसको कहते हैं रेगुलेशन रेगुलेट करना यानी कि एंगर को अगर मुझे करना है तो मुझे कॉग्नेटिव एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी उस मोमेंट में जिससे मैं अपने एंगर को हल्का समय उससे अलग हो पाऊं मैं मेटा कॉग्नेशन डेवलप कर पाऊं मैं अपने इमोशंस के बारे में सोच पाऊं उनको देख पाऊं और हो सकता है मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूं या फिर मैंने अपने लिए मैं सेल्फ अवेयरनेस पाता हूं अपने इमोशन की और मैं कोई रैश डिसीजन मेक करने से अपने आप को रोक लेता हूं डिफरेंट एक्सरसाइजेस हो सकती हैं अग्रेशन को लिमिट करने की कोग्नेटिव वो अलग हो गई ये जो प्रक्रिया है

मेरे को बताया गया है ट्रेंड वे में कि ये औरत कह रही है कि मेरा गुस्सा निकल गया गुस्सा नहीं निकला तुम ये कर यह मूर्खता आधे घंटे में गए हो हो थक थकान फटीक, एक अलग चीज गई गुस्सा नहीं निकला है और दूसरी चीज सिंपल इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने जो बात न्यूरो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने ब्रेन एक्टिवेट करो गुस्से वाला तो अग्रेशन बढ़ता है जैसे कि अगर आप फैन ऑन करते हो तो फैन फुल स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाता है आपको रूट पे जाना है गुस्सा तो वो सिम्टम है कॉज क्या कर रहा है गुस्सा तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तुम्हें उसके साथ बैठना है तुम्हें समझना है तुम्हें उसको दूसरे तरीकों से देखना है हो सकता है उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी हो हो सकता है उसके अंदर एक्चुअली तुम्हारे को खुद को लेके बिहेवियर हो।, हो सकता है कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकता है भाई पर्सनलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तुम्हें वहां जाना है यहां पे क्या हो रहा है हम एक ब्लेम कर दे रहे आउटवर्डली या ले रेकग्नाइज कर रहे हैं कुछ चीजें हमारे साथ जिंदगी में खराब हुई हैं उनके साथ डील करने के बजाय हम ये सब कर रहे हैं जिससे हमारा ब्रेन रीजन जो भी एंगर के साथ एसोसिएटेड है वो भयंकर हाइट एंड स्टेट में चले जाते हैं हम एग्रेशन में और ऊपर हो जाएंगे यानी कि हम एंगर बिगेट्स एंगर एंगर विल मेक यू मोर एंग्री So, ये जो भी कर रही है में काउंटर प्रोडक्टिव है कोई एक्शन में उस चीज को रेजोल्यूशन नहीं हो रहा क्योंकि कुछ ऐसा कर ही नहीं रही जिससे जो उनका जो रूट प्रॉब्लम है वो हो और इससे बल्कि उल्टी चीज हो रही है क्या होगा कि हम अगर किसी को इतनी भयकर लेवल पे तो वो दे चुके हैं ऑटोनॉमी दे चुके हैं कि हमारी लाइफ की डिसीजन मेक करें तो वो जो कह रहा है हम काइंड कहो चाहते हैं सुनना और समझना और हम कह रहे हैं तुम कंप्लीटली गाइड कर रहे हो हमको तो अगर तुम कह रहे हो कि हाँ मैं काम काउडाउन होगा तो मैं कहूंगा हाँ मैं काम डाउन हो गया हूं क्या असली में हुए हो क्या असली में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या छह महीने बाद तीन महीने बाद तुम तुमने सारा पैसा लुटा एक जगह किसी ने तुम्हें लेवल पर उल्लू बनाया जिसने तुम्हें लिखित में दे रहा हूं उसके पास ना कोई एकेडेमिया से ना कोई पीएचडी है ना कोई उसके पास एक्चुअल क्रेडिबिलिटी है मैं ये एक्सपर्ट हूँ इंस्टाग्राम पर आपको बहुत मिलता है इंसान वर्ड्स पेल देता है दो तीन एम एन एक्सपर्ट या एम ए काउंसलर आए अत दिस एंड दैट एंड तुम ये देखते हो उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है ना कोई फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है ना इन्होंने कोई रिसर्च करी है स्कैम है ये सब